गोरखनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 3रे दिवस के अवसर पर कथाव्यास डॉक्टर श्याम सुंदर प्राशर ने भागवत में वर्णित भीष्म गीता का उल्लेख करते हुए बताया कि शरशैया पर लेटे भीष्म जब प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं तो कहते हैं, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक आप मेरे सामने रहें और मैं आपकी स्तुति करता रहूंगा। भीष्म महाभागवतों में एक भीष्म पितामह हैं जिन्होंने भगवान की सुंदर स्तुति करते हुए कहा कि मैं अपनी बुद्धि को हमेशा के लिए आपको सौंप रहा हूँ, और यही कहते हुए वे परम धाम चले गए। उन्होंने बताया कि परीक्षित के जन्म होने के कुछ ही वर्ष बाद माता कुंती और सभी पांडव बंधु परम धाम को चले गए। बहुत छोटी उम्र में ही परीक्षित जी ने अपने राज्य का दायित्व संभाला। उसके बाद कलयुग का आगमन होता है। कथा व्यास ने बताया कि धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, धर्म, दया और तप। इनमें से एक भी ना रहे तो धर्म लगड़ा होता है। ऐसा स्वरूप कलयुग में धर्म का बताया गया है। उन्होंने परीक्षित का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जो मौत के भय से मुक्ति चाहता है वह मुरली मनोहर से नाता जोड़ ले। मरणासन्न परीक्षित जो को भगवान सुखदेव ने उपदेश किया कि मृत्यु जिसके भय दौड़ती है उस प्रभु के शरण में जाने से आपका कल्याण होगा। और फिर उन्होंने परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। कथा व्यास ने कहा कि यह 14 भुवन भगवान का विराट शरीर है और भारतवर्ष भगवान का हृदय है, तथा भारत में बहने वाली गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां भगवान के हृदय की नाड़ियां हैं। अन्य विश्व की सभी नदियां उनके शरीर की अन्य नाड़ियां हैं। इसलिए गंगा नदी में हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। यदि गंगा के बहाव में गंदगी या ब्लॉकेज होता है तो भगवान को हृदयघात जैसा कष्ट होता है। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा के अंग के साथ जुड़े रहो तो तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। यदि व्यक्ति जीवन में उनकी कृपा नहीं रहेगी तो जीवन शून्य हो जाता है। तथा व्यास ने कहा कि सृष्टि के आरंभ में कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं कौन हूं, तो उन्हें ता और पा ये 2 शब्द सुनाई देते हैं। इससे उनको तप करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने तप किया जिससे भगवान नारायण उनको दर्शन देकर 4 श्लोक में उपदेश करते हुए उन्हीं 4 श्लोकों को चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। कथा व्यास ने संसार के कारण भगवान को बताते हुए कहा कि भगवान मकड़ी की तरह संसार के निमित्त और उपादान दोनों कारण होते हैं। जैसे मकड़ी अपने जाल के प्रति निमित्त और उपादान दोनों कारण होती है, उसी प्रकार से भगवान भी स्वयं के द्वारा स्वयं के से संसार की उत्पत्ति करते हैं।
Thank you.
दुर्योधन आदि कैसे भी सही और भाई तो मिल ही थे, अपनों को खोकर के ये सत्ता सुख मैंने प्राप्त किया है, किसके साथ बैठ गए वो सब मनाऊंगा। उन सब की स्थिति में मेरा चित्र बहुत खिन्न हो रहा है। प्रभु ने विविध मान समझाया और समझ में नहीं आया। प्रातः होने पर प्रभु पितामहों भीष्म के पास पांडवों को लेकर पहुंचे, जो अभी भी सरसैया पर सो रहे हैं। पांडवों ने प्रणाम किया, पितामह भी सोने देखा, छोड़ के देखा, दूर खड़े द्वारका की इस नजर आए। पितामह भीष्म मुस्कुराए, प्रभु आप आ गए, दूर क्यों खड़े हो, हमारे पास आओ। पुष्प तात्र छंद में स्थिति